तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका नाइन डी एस आर्मी में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के दोस्तों कमेंट ये आते हैं जिनके पास मतलब 1 GB रैम मोबाइल है या फिर 2 GB रैम मोबाइल है, कि मतलब दोस्तों उनका मोबाइल बहुत ज़्यादा लैग करता है जब भी वो पबजी मोबाइल लाइट खेलते हैं। लेकिन दोस्तों जो आज मैं आपको मतलब स्क्रिप्ट देने वाला हूँ, उस स्क्रिप्ट को आप यूज़ करके दोस्तों मैं मतलब जहाँ कहूँगा आपको पेस्ट करनी है, ठीक है, वो न्यू स्क्रिप्ट है दोस्तों। अगर आपको उससे भी अलग स्क्रिप्ट चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, तो जब तक आप उस स्क्रिप्ट से काम चलाइए, ठीक है। और इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा लैगिंग प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सिंपली क्या है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। दो लिंक मिलेगी बेसिकली, एक तो मिलेगी ES फाइल एक्सप्लोरर की, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी बाद में, आप उसे दोस्तों डिलीट या इंस्टॉल कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ 2 मिनट का उसका काम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और लिंक होगी जो कि स्क्रिप्ट की होगी, उस स्क्रिप्ट को आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, आपके डाउनलोड के सेक्शन में चली जाएगी। अब मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ आपके। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी दोस्तों रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, उसके बगल में बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, ताकि फ्यूचर में भी दोस्तों आप सभी को इसी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डेली मिल सके। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखो तो आपको ES फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है, और जो फाइल आपने डाउनलोड किया वो डाउनलोड के सेक्शन में चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप क्या करिए, सिंपली से उस फाइल के ऊपर एक दोस्तों टैप कर दीजिए, ठीक है, ES नोट एडिटर में उस फाइल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये आपको ES फाइल ES नोट एडिटर में ओपन कर लेनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा करता हूँ, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ES नोट एडिटर में ओपन कर ली, और इसे आप क्या करिए, यहाँ पर आपको देख एक मतलब पेंसिल का आइकन आ रहा होगा डिलीट ऑप्शन के लेफ्ट में, तो इस पर क्लिक कर देना, एडिट कर लीजिए इस फाइल को और सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद दोस्तों सारी फाइल्स मतलब पूरी फाइल को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद बैक चले जाइए एक बार फिर से बैक, और अब यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉयड का ऑप्शन ओपन कीजिए, डाटा, डाटा के बाद दोस्तों पबजी मोबाइल डॉट IG मतलब लाइट, पबजी मोबाइल जो लाइट का फोल्डर है उसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। वही फोल्डर ओपन करना दोस्तों जो आप मतलब पबजी लाइट वाला है, ठीक है। अगर आप पबजी यूजर्स भी हो तो दो फोल्डर बने होंगे, तो आप लाइट वाला ओपन कीजिए, Tencent.IG लाइट वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फाइल्स UE4 गेम्स शेडो ट्रैकर, उसके बाद फिर से शेडो ट्रैकर, उसके बाद सेव्ड, उसके बाद कॉन्फी एंड्रॉयड, उसके बाद दोस्तों यूज़र कस्टम डॉट INI फाइल पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यूज़र कस्टम डॉट INI IS फाइल एक्सप्लोर मतलब ES फाइल एडिटर में एडिट करिए। उसके बाद फिर से दोस्तों क्या करना होगा, नीचे से लेकर जाइए जहाँ पर ये बैकअप लिखा हुआ, बैकअप से ऊपर ऊपर फाइल आपको क्लियर कर देनी होगी, मतलब सिलेक्ट कर लेनी होगी पहले जहाँ तक मैंने बोला है, ठीक है, वहाँ तक फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बैकअप तक आपने फाइल सिलेक्ट कर ली, उसके बाद दोस्तों ये मतलब कट वाला आइकन दबा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपने वो फाइल कॉपी की थी उसे यहाँ पर सिंपली से पेस्ट कर दीजिए, और बीच में जो स्पेस वगैरह है वो एडजस्ट कर लीजिए जो पहले था, ठीक है। तो आप पूरा एडजस्ट कर लीजिए। तो अब दोस्तों वो फाइल पेस्ट कर ली, सब एडजस्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव के लिए बैक का आइकन दबा देना, उसके लिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन आया, तो यस आप कर दीजिए, मतलब आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। अब इस फाइल को सेव करने के बाद दोस्तों आप पबजी मोबाइल अपना ओपन कर लीजिए, बिना लैग के आप परफॉर्मेंस इन्जॉय कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।